गया भाई, हद तक क्यों गया ये। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर बोय तुषार परेजा। तो आज क्या कुछ चुभ रहा है तो अभी मेरा, मैं बहुत थका से लग रहा हूँ। मैं अभी उठा हूँ, मतलब 3 बजे है, मतलब लेट सोया था, छोड़ो। तो अभी बाल कटवाने जा रहा हूँ और साइकिल सर्विसिंग पे दी थी मैंने, देख लो अभी साइकिल खरीदी और हफ्ता भी नहीं हुआ मैंने सर्विस पे दे दी। वो क्यों दी है वो बताते हैं अभी। गंदा लग रहा हूँ ना मैं, कहा आप बाद में नहा लूँ, अभी उठाऊँ तो बाल भी कटवा के और फिर वहाँ से वो लेनी है साइकिल सर्विसिंग से, तो बता दिया ना मैंने। चलो पता है मैंने एक बार क्या हुआ था, मैंने ना 7th-8th class में गजनी कट करवाया, गजनी जब मूवी आई थी तो अपन ने करवाया था गजनी वाला हेयर कट। और भाई साहब इतने जो स्कूल में जो हम मेरे सर ने लगाए थे ना, सर मेरे को बोलते वो अगर वो क्या अगर वो सिर में सेंटर में गोल करवाएगा तू भी करवाएगा। भाई बच्चे थे, शौक था, अपने करवाया और इतनी गालियां पड़ी थी ना। मेरे को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में दूसरा हेयर कट है मेरा, और मेरे को यहाँ पे करवाने में डर लगता है क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं जिस जैसे राशिद भैया के पास जा रहा था पूरे 1-2 साल से, उनको मेरे बालों का सारा सिस्टम पता है, ठीक है। यहाँ पे किसी को नहीं पता और समझाऊँ कैसे, मैं इनको समझ में भी नहीं आता। मैंने पिछली बार उसको बोला कि साइड से काट दे, उसने काट दिया साइड से इतने गंदी तरीके से, और ऊपर से इतने बड़े बाल छोड़ दिए जो मैंने वीडियो बनाई थी कि कट गया मेरा। आज देखते हैं कैसा कटता है मेरा। अभी बस ये सीधा, ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट सीधा कोने में एक बार्बर है, उसके बाद जा रहा हूँ आज मैं, और उसका हेयर कट का आई थिंक प्राइस है $21। अब फिंगर क्रॉस्ड है भाई, अच्छा हेयर कट चाहिए आज मेरे को, अच्छा, नहीं तो अगर गंदा कटा तो साइकिल का भी खर्चा है, आज दिन ही खराब जाना है आज का। फिर बाल अच्छे कट गए तो शायद दिन सही लगे मेरे को। अरे क्या हो गया, ये चिड़िया बैठी रहती है यहाँ पे, और कल ऐसे 3-4-5-6 बैठी होती हैं, कितनी बातें कर रहा हूँ, चलते हैं। तो इधर आगे इस बैंक के पास ये माइन लिखा है ना, क्या लिखा है, बी माइन। ऐसा लग रहा है लड़कियों का सलून है, पर होता है भाई मेंस का भी हेयर कट होता है, लड़की करेगी तो मजा आ जाएगा। तो शक्ल तो लड़के की थोड़ी नॉर्मली लग रही है, पर अंदर से बहुत खुश है क्योंकि पहली बार 21 साल का हो गया और पहली बार हेयर कट लड़की ने किया मेरा, इतना खुश हूँ ना मैं। हेयर कट ऐसा हुआ है, चिपका दिया उसने, घर चलता है, घर जाके खुद से बनाएंगे। यहाँ से तो मस्की है, ये इसने चिपका दिया यहाँ पे। मैं उसको बता नहीं पाया कि भाई मैं बाल खड़े रखता हूँ, मैंने फ़ोटो भी दिखाई थी, पर अब जितना चाहो उतना मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता ना, पर हो रहे हैं अच्छे, बहुत अच्छा हेयर कट हुआ मेरा इस बार, लाइक लिटरली। और मैंने उसको अपना चैनल सब्सक्राइब भी करवाया है, और वो कोरिया से थी, उसको समझ में तो कुछ आएगा नहीं, पर करवा दिया। यूट्यूबर है ना, प्रमोट करो जितना कर सकते हो। तेज यार चल जा प्लीज़, नया है तू भाई, ऐसे नहीं कर सकता तू मेरे साथ, ये क्या हो रहा, चल गया। पता नहीं ख़राब क्यों ऐसे, मैंने भी शॉट लिया उसके बाद बंद हो गया भाई। मैं तब से बैठा हूँ ठीक है इस सीट पे, मतलब हो गए 10-15 मिनट, मेरे साथ भी कोई बैठा है यहाँ, नहीं यहाँ, ये देखो इसको देखो, इतना गंदा दिख, मैंने अभी नोटिस किया भाई, उल्टा अब दूर है हम दोनों 1.5 meters अवे। ये सुपर फास्ट ट्रेन है, थोड़ी गंदी दिखती है पर काम बड़ा तेज़ है, और सेंट्रल स्टेशन आ गया हूँ, यहाँ से जाऊँगा लाइट रेल लेकर मैं सिडनी इलेक्ट्रिक बाइक्स। ये यहाँ का राजीव चौक है भाई, बोरी लाइट रेल, भागना पड़ेगा। आ गई ये चली गई, आ गई। तो जो लाइट रेल होती है वो सड़क के बीच में चलती है, साइड में गाड़ियाँ चलती हैं, काफ़ी लोगों को पता होगा, नहीं पता मैंने कहा बता दूँ। आया हूँ पीरमोंट बे पे, पीरमोंट, और यहाँ से अपन की है 5-10 मिनट की वॉक। अरे टैप करना रुक जाओ, और साइकिल उठाते हैं, भूख भी बड़ी तेज़ लग रही है यार, पहले खा लेता हूँ, भूख लग रही बहुत तेज़। यहाँ पे आके लगता है कि पैसे पूरे हो गए ऑस्ट्रेलियन, सुंदर कितना है भाई। यहाँ ऊपर है राशेज वोरा,
जहाँ की मैं हमेशा स्नैप डालता हूँ। और मैं यहाँ से इतनी चीज़ें क्यों ख़रीद रहा हूँ, क्योंकि डिस्काउंट है 50% ऑफ सारी चीज़ों पे, तो आई प्रेफर बाइंग थिंग्स फ्रॉम हेयर ओनली। और यहाँ पे सब वे भी है शायद, तो आई गो फॉर दैट। बंद है, मैकडोनल्ड्स चेक करके आता हूँ खुला कि नहीं। भूख लगी, क्या खाऊँ। आ गए यहाँ से, उठाएंगे बाइक, आपको वहाँ अच्छे से बैठ के बताएंगे क्या सीन था इसमें। तो भाई, तो अभी क्या हुआ कि ये ना अपने से पैसे ले रहे थे, ये बोल रहे थे कि आपको $50 देने पड़ेंगे सर्विस के। मैं कहा भाई किस बात के $50, पहली सर्विस है, तुम बोल रहे हो फ्री है। कहते नहीं। मैं कहा भाई हद है, तो तुम्हारा भाई जीत गया फिर इस कॉन्वर्सेशन में, मतलब इतनी तो भसड़ हुई भी नहीं, थोड़ी बहुत बात ही हुई थी। तो अब हम चल रहे हैं घर। नहीं, पहले आपको बता देंगे क्या क्या हुआ है इसके अंदर। ठीक, हवा कितनी है। ओहो, ये पूरा साइकिल का वे है और इसके भी रूल है। ये हुई ग्रीन, तो चलो सुंदर है भाई, सिडनी इज़ ब्यूटीफुल। और अभी बैटरी भी गोप्रो की 13% ही है, तो ज़्यादा कुछ जितना पता लगेगा उतना ही दिखाएंगे आपको। सब बंद है भाई, टेक अवे बस। मतलब आप बाहर का क्या टेक अवे, यहाँ से कोई बाहर से दारू क्यों खरीदेगा, सब अपने ठेके से खरीदेंगे, बाहर से महंगी थोड़ी करनी है। बाइक मैंने क्यों सर्विस पे दे दी इतनी जल्दी, और इतनी जल्दी नहीं भाई, 520 किलोमीटर हो गए हैं इसके। कब होएगी ग्रीन लाइट, इतनी देर हो गई। हो गई, चलो ठंड लग रही है। भागो भागो भागो। तो जो मेन जो मैंने इसको सर्विस पे दिया था वो बंद करना, तो रुको एक बार इसको। तो हुआ क्या था कि साइकिल मैंने पार्क करी थी, मैं डिलीवरी कर रहा था अपना, वही ऊबर इट्स डिलीवरी बॉय बन के डिलीवरी कर रहा था मैं। तो मैंने साइकिल पार्क करी, मतलब ई बाइक अपनी पार्क करी घर के आगे किसी के, और वो ऐसे ढलान टाइप थी, तो वो पार्क ढंग से नहीं, और वो बाइक गिर गई नीचे। इस तरफ से ना मेरी बाइक गिर गई थी ऐसे, ठीक है, और वो ऐसी गिरी कि उसका जो साइड वाला जो हैंगर है वो अंदर घुस गया, ये पूरा हैंगर अंदर घुस गया था, ठीक है, और उसकी वजह से गियर नहीं लग रहे थे और मेरा दिल घबरा रहा था। तो मुझे सर्विस पे देनी जरूरी थी, मतलब मैं सोचा नॉर्मल दिखा दूं, पर मैं सर्विस ही करा देता हूं। आगे देखो। तो मैंने इसको सर्विस पे इसलिए दिया था इतनी जल्दी, क्योंकि जो भाई साहब ये फर्स्ट गियर पे नहीं चढ़ रही थी, ठीक है, सिक्स पे भी नहीं चढ़ रही थी आई थिंक, और चेन में से इतनी कच 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 आवाज आ रही थी। ऑल्सो एक आध और चीज खराब हुई थी इसकी, लेट मी सी, मैं भूल गया कुछ और भी खराब हुआ था इसका। तो देखो, जब गिरने के बाद ये भी इम्पैक्ट हुआ था कि सीट भी हल्की सी डैमेज हो गई थी, और भी कुछ हुआ था यार। हाँ, इसके ब्रेक वीक हो गए थे लिटरली, लाइक एक डेढ़ वीक में ही इसकी इतने ब्रेक फेल हो गए थे, मतलब अब तो देखो काफ़ी बेटर है। और करने को तो ये मैं घर पर ठीक कर सकता हूँ, ठीक है, पर मेरे पास टूल्स नहीं थे, और इन्होंने बोला आप कभी भी फ्री में ले आना, तो मतलब इन्होंने बोला है कि फ्री में हो रही है तो मैं घर पर क्यों करूँ, ठीक है। ऑल्सो थोड़ा सा दूर है, पर आने आ जाना सही है। ये साइड पूरी सही है, पूरी साइकिल सही है, बस ब्रेक लूज हो गए थे, तो अभी साइकिल बिल्कुल ठीक है और पैसे कोई नहीं लगे, आने जाने का खर्चा हुआ है बस। अभी यहाँ पे फ़ोन होल्डर होना चाहिए था पर मैं भूल गया लाना, पर कोई नहीं, अपने मैप खोलेंगे जेब में से निकाल के और फिर करेंगे काम। भाई साहब सब मेरे को देख रहे हैं, मैंने सिर पे क्या लगा रखा है। ये रास्ता जा कहाँ रहा है, जाने को तो मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ। पूरा सिडनी ख़राब हो गया भाई, वही मैं इधर आया हूँ 2-3 साल पहले। हाँ, मैं 2.5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आया था, अगर आपको नहीं पता हो। आप इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हो, फॉलो भी नहीं कर रहे हो क्या भाई। सुंदर है, सुंदर। अभी मेरे को आगे का रास्ता देखने की, कहाँ जा रहा हूँ मैं, सही भी जा रहा हूँ कि नहीं। सही तो जा रहा हूँ, और सीधा जाना क्या भाई। आया हूँ मैं यहाँ पे, क्या सुंदर है भाई, यहाँ बनानी चाहिए थी वीडियो। एक स्नैप डालते हैं यहाँ पे, ऐसे लग रहा है हमें भी कुछ सही है, अपना काम चल रहा है और क्या। अभी ये दिक्कत हो रही है मेरे को, क्योंकि मेरे पास फोन होल्डर, मैं भूल गया घर पे। ये भी एक साइकिल है मस्त छोटी सी, ओहो छोटी किटक है। सीधा जाना है सीधा, वाओ।
तो अभी इसकी बैटरी खत्म हो गई है, ऑन नहीं हो रहा, अरे शीशा ही मैला है। ये बंद, इसको बैग में रखते हैं, घर चलते हैं, फिर घर चल के कुछ करेंगे, बताएंगे फिर आप। तो बस भाई वीडियो इतनी सी थी, ठीक है। वॉशरूम एंड करो क्योंकि यहाँ लाइट अच्छी है, अंदर बहुत बकवास लाइट है मेरे रूम में। तो हाउस टूर भी जल्दी होगा, ठीक है। आप सबका प्यार मिल रहा है और इतना सारा प्यार मिल गया है ऊबर वाली वीडियो को, बाकी सारी वीडियोस को भी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। 400 से ऊपर करीबन कमेंट है, सबका रिप्लाई करूंगा, आराम से बैठ के करूंगा। थोड़े एग्जाम्स भी आ रहे हैं और असाइनमेंट्स भी बहुत सारे हो गए क्योंकि लड़का इज इनकंसिस्टेंट एवरीवेयर। तो असाइनमेंट भी निपटाने हैं, एग्जाम भी देने हैं, ब्लॉग्स भी डालने हैं, तो काफी थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, जॉब भी करनी देख। अरे राम, तो छोड़ो ये सब बातें, हो जाएंगी बैलेंस, यही लाइफ है। अगर आपको वीडियो किसी पहले कुछ नहीं हो रहा था लाइफ में, पहले के 6 महीने खाली बैठे थे हम कॉलेज के बाद, इतना हो गया टचवुड, चलेगा चले ऐसी लाइफ, कोई नहीं। तो अगर आपको वीडियो इतनी सी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ ज्यादा अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव फ्रॉम सिडनी, पीस। आएगा स्टाफ का बंदा, तो अब ना फेंक आप, ये ऐसे ही करते हैं, 10-10 मिनट खड़ा रखते हैं और आते ही नहीं, ट्रीट बाइक बस बेचनी होती है, उसके बाद ऐसे ही होते हैं सारे, बेच दी बस उसके बाद, वैसे तो हेलो 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 आ जाओ, और जब नहीं होते तो